सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस ऑफ माइक्रोटेक। और इस वीडियो में मैं आपको डाइकिन एसी के रिमोट के सारे फंक्शंस और कुछ हिडन फीचर एंड उसी के साथ इसी रिमोट से आप कैसे आपका एसी का जो कंजम्पशन है उसको कैसे कम कर सकते हो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है मेरा एसी अभी ऑन है और रिमोट के ऊपर में दो बटन दिया गया है, एक ग्रीन कलर में है और एक येलो कलर में है। येलो बटन को आप प्रेस करके अपने एसी को ऑन या ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट जो बटन है वो है पावर चिल। पावर चिल को प्रेस करने से ही आपका एसी जो है वो इंस्टेंट कूलिंग कर देगा और इस दौरान आपका एसी का फैन स्पीड जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और जो टेम्परेचर होगा एसी का वो सबसे लोएस्ट होगा। तो जब भी आपको ज़रूरत है तब भी आप इसे यूज़ करें वरना आपका जो एसी का कंजम्पशन है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो बटन हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं वो है फैन स्पीड। तो राइट साइड में यहाँ पे है फैन स्पीड। तो फैन स्पीड को प्रेस करते ही आप अपना एसी का जो फैन स्पीड है उसको डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फैन का आइकन शो हो रहा है, यहाँ से मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ अभी और इसको प्रेस करके आप इसको कम भी कर सकते हो। लेफ्ट साइड में आपको एक मोड का बटन दिख जाएगा जहाँ पे प्रेस करने से आप कूल मोड से फैन मोड, यहाँ पे मैं एक बार प्रेस करने से कूल मोड से फैन मोड में आ चुका हूँ और यहाँ पे फैन का आइकन शो हो रहा है। सो फैन मोड में जो एसी है वो फैन मोड में सिर्फ चलेगा, उसके बाद फिर से प्रेस करने से ये ड्राई मोड में आ जाएगा, जैसे कि बारिश के टाइम पे ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, और फिर से एक बार प्रेस करने से फिर से कूलिंग मोड में आ जाएगा। नेक्स्ट जो बटन है वो सबको मालूम है, ये टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज़ करने के लिए। सो इस बटन से आप डिक्रीज़ भी कर सकते हो और इंक्रीज़ भी कर सकते हो। डाइकिन का इस एसी के साथ आपको फोर वे स्विंग यानी कि वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग दोनों ही देखने को मिलता है। तो वर्टिकल स्विंग इस बटन को प्रेस करने से ही आपका जो हॉरिजॉन्टल वेन है वो ऊपर से नीचे तक स्विंग होता है, इस दौरान ऊपर से नीचे तक आपको एयरफ्लो मिलता है। और नेक्स्ट जो बटन यहाँ पर दिया गया है वो है हॉरिजॉन्टल स्विंग, इसमें आपका जो एयरफ्लो होता है वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट तक एयरफ्लो कर देता है। नेक्स्ट जो फीचर्स इस रिमोट में मिलता है वो है कोंडा बटन। इस बटन को प्रेस करते ही आपका एसी का जो वेन है ये ऊपर की तरफ मुड़ जाता है ताकि एसी का जो एयरफ्लो है वो आपके डायरेक्ट बॉडी पे ना आए। जिनको डायरेक्ट एयरफ्लो से प्रॉब्लम होता है वो इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बटन यहाँ पे दिया गया है वो एक कॉम्बिनेशन बटन है। इस एक बटन से आप गुड स्लीप और एक जो है डिस्प्ले लाइट को ऑफ और ऑन कर सकते हो। तो 5 सेकेंड तक आप इस बटन को होल्ड करते ही आपका जो डिस्प्ले एलईडी है वो ऑन होता है और 5 सेकेंड तक आप इसको प्रेस करते ही डिस्प्ले लाइट जो है वो ऑफ हो जाता है। एंड नॉर्मल एक बार प्रेस करने से ही आपका जो गुड स्लीप फीचर है ये एक्टिवेट हो जाता है। इसे एक्टिवेट करने के बाद आप सो जाते हो तो ये हर एक घंटे में 1 डिग्री करके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो बहुत ही कम हो जाता है, और इस दौरान आउटसाइड में जो बाहर का टेम्परेचर होता है घर के वो कम हो जाता है, उसको ही बैलेंस करने के लिए ये अपने एसी का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट जो बटन यहाँ पर दिया गया है वो है ड्यू क्लीन यानी कि ऑटो क्लीन। जो आपके इंडोर यूनिट में जो इवेपोरेटर कॉयल होता है उसके ऊपर मॉइस्चर जम जाता है तो उसी को ही क्लीन करने के लिए हम इस ड्यू क्लीन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है वो है टाइमर ऑन या ऑफ। सो अगर मान लो कि आप सोते वक्त टाइमर ऑन करके यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप टाइमर ऑन करके छोड़ देते हो तो ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद ही जो टाइमर है उसी के हिसाब से ये एसी ऑफ हो जाता है और ऑन भी हो जाता है। तो इस फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे कैंसिल बटन में प्रेस करके इसको कैंसिल भी कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर्स इस एसी में मिलता है वो है इकोनॉमिक बटन यानी कि पावर सेविंग बटन। इस बटन को प्रेस करते ही आपका एसी जो है वो आइडल मोड में आ जाएगा यानी कि पावर सेविंग मोड में आ जाएगा, और इस दौरान आपका जो बिजली का खपत है वो बहुत ही कम हो जाता है। और अगर रिमोट को आपको लॉक करना है तो इसी बटन को आपको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है तो आपका जो रिमोट है वो लॉक हो जाता है, और अनलॉक करने के लिए आपको पावर चिल को और इस बटन को 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है तो ये अनलॉक भी हो जाता है। सो यही कुछ था डाइकिन एसी के रिमोट के सारे फंक्शंस। ऐसे सारे वीडियो पाने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माइक्रोटेक।